नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नों की श्रृंखला में प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 है, 5 का अंतिम क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। हम मैथ कर रहे हैं कक्षा 10 एनसीईआरटी। तो आज प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे देखिए। ये क्वेश्चन है 1+10^(a)(1+cot^(1-tan^)(1-cot^)/10^a। अब इसको लेकर LHS है, ये मध्य पद है, MHS बोल सकते हैं, और ये RHS है। इन दोनों का आंसर टेन वर्ग ए आना चाहिए जब हमारा ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो यहां लिखते हैं हम LHS लेने पर, जब LHS लेंगे बेटा 1+10^(a)/1+cot^(a), पंखा बंद कर देते हैं। तो अब हमें क्या पता है, हमें ये पता है ना बेटा 1+10^(a) का सूत्र क्या होता है, sec^(a) होता है कि नहीं होता है, और 1+cot^(a) का सूत्र क्या होता है भाई, cosec^2a। तो 1+10^(a) की जगह रख देंगे sec^(a), और इसकी जगह रख देंगे cosec^(a)। sec का सूत्र क्या होता है, sec θ = 1/cos^(a), तो वर्ग हो गया, cosec का 1/sin, sin वर्ग एक के पास जाएगा cos वर्ग, sin वर्ग जाएगा ऊपर और cos वर्ग के पास एक जाएगा, मतलब ये जाएगा नीचे। तो cos sin वर्ग a का गुणा करेंगे एक में, तो क्या आएगा sin वर्ग a। एक का गुणा या cos वर्ग का गुणा करेंगे एक में, तो आएगा cos वर्ग a। हमें क्या पता है sin a बटे cos a बराबर होता है tan a, tan a रखेंगे वर्ग है तो वर्ग हो गया। इसका मतलब इसको LHS को हमने सोल्व किया तो हमारा tan वर्ग निकल कर आ गया। अब मध्य पद को लिखेंगे, हम लिखेंगे MHS लेने पर, MHS बोल सकते हैं, MHS लेने पर क्या है 1-tan^(1-cot^)a। इतना करने के बाद 1-tan^(a) ऐसा कैसा रहेगा, सॉरी वर्ग है तो वर्ग लगा दो, होल वर्ग है ना, और 1-cot^(a) का सूत्र होता है 1/tan, वर्ग है तो वर्ग लगा दो, tan a 1-tan^(a) ऐसा कैसा रहेगा, tan a यहां एलसीएम, यहां पर एक लिख दो और tan a ले लो एलसीएम, एक का भाग देंगे tan में वही tan आएगा, tan का गुणा करेंगे एक में तो क्या आएगा tan a। अरे एक का भाग देंगे भैया tan a में तो tan a आएगा ना, जो tan a आएगा उसका गुणा एक में करेंगे तो tan a ही तो आएगा। अब tan a का भाग देंगे tan a में तो एक बार जाएगा, एक का गुणा करेंगे एक में तो क्या आएगा एक, और ये वाला वर्ग तो वर्ग लगा दो, होल वर्ग है। इतना करने के बाद 1-tan^(a) ऐसा कैसा, गुणा का चिन्ह लगाओ, tan को ऊपर ले जाएंगे तो tan a यहां आ जाएगा, नीचे हो गया tan a -1 और वर्ग है तो वर्ग हो गया है ना। अब हमें इस जैसा बनाने के लिए इसको क्या करेंगे,
गुणा का चिन्ह लगाएंगे और माइनस का चिन्ह, ये इस जैसा बन जाएगा ऐसे करने पर, 1 माइनस टेन ए, ये भी हो जाएगा 1 माइनस टेन ए, और ये वाला गुणा का चिन्ह माइनस यहाँ लगा दो, टेन ए पावर दो, ये कट जाएगा आपस में, क्या बचेगा माइनस टेन ए का वर्ग, इसको दो बार लिख दो, माइनस टेन ए गुणा माइनस टेन ए, माइनस से माइनस कट जाएगा, टेन ए का गुणा करेंगे, टेन ए में क्या आएगा टेन वर्ग ए, इसका भी निकल के आया टेन वर्ग ए, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो प्यारे मित्रों, एक बात का बिल्कुल आपको ध्यान देना है कि आप त्रिकोणमिति को जब तक सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको फार्मूले याद ना हो। इसको इन सवाल जो भी सवाल मैंने करवाए हैं इनको करवाने से पहले आप एक फार्मूले वाली वीडियो जरूर देखें। वहां पर आपको YouTube पर ये सर्च करना है, नीलू कोचिंग क्लासेस कुमराज प्रश्नावली या त्रिकोणमिति के फार्मूले, आपके सामने फार्मूले आ जाएंगे जितने भी आपको हमने बताए, 30-32 शायद इतने ही होंगे। आप उन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लें, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, एक तो आपको सवाल अच्छे से आने लग जाएंगे और दूसरी बात यह है कि आपको पेपर में विकल्प मिलेंगे, विकल्प भी इसमें से आ सकता है बिल्कुल सूत्रों से, सत्य असत्य आएंगे वो भी आपके बिल्कुल सूत्रों से आएंगे, आपको जो सही जोड़ी है, सही जोड़ी तो ये मान लीजिए कि आपकी पेपर में आना ही है। तो हमें एक कितना बेनिफिट मिल रहा है, इतना बेनिफिट मिल रहा है, एक तो क्या है कि सवाल सोल्व होंगे, दूसरा आपकी ओटी क्लियर होगी, मतलब विकल्प आपके क्लियर होंगे, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप सूत्रों को अधिक से अधिक याद करें और आप उन सूत्रों को ऐसे स्थान पर अच्छे लिखकर ऐसे स्थान पर चिपका ले, उनको लगा ले जहां पर आपकी निगाह बार बार पड़ती है, आपके दरवाजे पर लगा लो, मैं आप सोते हैं उसके बिल्कुल सामने लगा लो, ताकि आपको उठते बैठते आते जाते वो ही फार्मूले दिखे, साइन बटे कोस क्या होता है टेन, कोस बटे साइन क्या होता है कोट, बस साइन वर्ग टीटा प्लस कोस वर्ग टीटा एक, बिल्कुल वो ही दिखे, तो आप अच्छे से त्रिकोणमिति के सवालों को हल कर पाएंगे, अन्यथा आप रट्टा मार मार के क्या करोगे, रट्टा ही मारोगे,